राजा सिर्फ एक निजाम के इस निजाम के आल मुकीम अफसरान का नहीं, वो सारे निजाम का इलाज है। बरिस्टर साहब, आपने कासिम सोरी साहब वाले केस के बारे में जो बात इंकशाफ किया है कि उसमें चीफ जस्टिस उमता बंदयाल भी इस साजिश का हिस्सा थे और उन्होंने कासिम सोरी की रोलिंग और उसकी अदालत ने उसको ख़त्म किया, तो आपके ख्याल में चीफ जस्टिस उमता बंदयाल इस साजिश का हिस्सा थे और जनरल बाजवा के कंट्रोल में थे और जस्टिस बंदयाल ने जो जो फैसले किए जनरल बाजवा के कहने पर किए? अब तो यही लगता, अब तो यही लगता, पहले नहीं लगता। जिस वक्त उमर बंदयाल केस सुन रहे थे फौजी अदालतों का, मास्वाई ये कि आखिरी महीना उन्होंने लगाया ही नहीं, वो ऑब्जर्वेशन जो देते थे उससे तो बड़े इंकरेज जो देते थे, हम वो देते थे ऑब्जर्वेशन। उन्होंने जो कहा कई मरतबा कहा कि फौजी अदालत ने किस तरह सिविलियन को, तो आपको पता नहीं चला जैसे बंदयाल के बाद नहीं बंदयाल के खिलाफ अब जो होगी सो हो गया, होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, जो हो गया सो नहीं हो गया। मेरे बड़े तल्लुकात हैं जस्टिस बंदयाल, मेरे वो साथ काम करते रहे। आई हैव ग्रेट सॉर्ट ऑफ लव एंड अफेक्शन फॉर हिम इन बीइंग, बट दिस थिंग जो गलत करता है मैं उसको नहीं। तो बंदयाल और बाजवा साहब तो दोनों को कटहरे में खड़ा होना चाहिए, यार दोनों को होना चाहिए कटहरे में खड़ा होना चाहिए। बाजवा साहब क्या तुम मेरे खेल नफी लोग हैं सर, क्या आज सुप्रीम कोर्ट की आज के आर्मी चीफ चला रहे हैं? आज की सुप्रीम कोर्ट आज के आर्मी चीफ बहुत खुश चला रहे हैं।